आज हम लोग का पढ़ना है स्फेरिकल लेंस, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। तो हमें डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस भी कह सकते हैं लेंस, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप देखिए जो आप अपने ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया, कैमरा हो गया, ठीक ना, इन सब में आप देखे होंगे कि लेंस का यूज किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पर उस लेंस का यूज़ करके कैसे जो है हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके अंदर कैसे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। वहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन लेंस में कैसे होता है, ठीक। मिरर में तो आपने देखा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होगा तो किस तरह लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। इस यहाँ पर भी आपको दो प्रकार के जो है लेंस देखने को मिलेगा, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो हमें जाने कि लेंस क्या होता है। तो लेंस कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ द ग्लास है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो दो स्फेरिकल शेप से मिलकर बना होता है। हालांकि लेंस बहुत कई प्रकार के होते हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, प्लेन कनकेव लेंस, ठीक ना, डबल कनकेव कन्वेक्स, ऐसे करके बहुत सारे लेंसेस होते हैं। बट आपके जो सिलेबस में है उसमें से जो है हमें सिर्फ दो प्रकार के लेंस पढ़ना है। अगर दो कनकेव ट्रांसपेरेंट हो और ग्लास का टुकड़ा जो दो कर्व शेप का हो, दोनों को अगर हम इस तरह ज्वाइंट कर लें एक दूसरे के साथ, तो जो हमारा शेप बनता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये मेरा हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, और इसी को अगर हम इस तरह ज्वाइंट कर लें तो इसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस, ओके। तो ये मेरा कनकेव लेंस, ये हुआ कन्वेक्स लेंस। अब इसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, ठीक। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये इस तरह का जो इमेज आपको देखेगा जो बीच में थोड़ा चौड़ा होता है और किनारे पर क्या होता है पतला होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अगर आपको लैब में लेंस मिले तो हम टच करके भी बता सकते हैं, टच करेंगे बीच में थोड़ा मोटा लगेगा और किनारे की तरफ पतला लगेगा तो हम कह देंगे वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसका जो एकदम बीच वाला पॉइंट जो होता है, जिसको हम ओ से या सी से भी डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके निकलता है। तो अगर इस पॉइंट से पास करते हुए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करे तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि लेंस पर परपेंडिकुलर, लेंस पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये लेंस है तो इस तरफ पास करेगा, ठीक ना, या ऐसे लेंस है तो इस तरफ पास करेगा, एकदम बीचों बीच उसका पास करेगा। तो लेंस उस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक, और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक ना। लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, दोनों फेस के द्वारा फोकस होता है, इस फेस के द्वारा भी फोकस होगा और इस फेस के द्वारा भी फोकस होगा, ठीक ना। तो इसलिए मिरर के जैसा एक फोकस इसमें नहीं होता, इसमें दो प्रकार के, मतलब दो फोकस जो है देखने को मिलता है। तो हम फाइंड करेंगे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो पैरेलल आने के बाद ये क्या करता है कि लाइट रे को एक जगह प्रिंसिपल एक्सिस पर, जितने भी पैरेलल रे आएगा सबको प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलाता है। तो सपोज दैट इसको जो है किसी एक ही पॉइंट पर सबको मिला रहा है, यहाँ पर जितनी भी पैरेलल लाइन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के सबको क्या करेगा, एक पॉइंट पर मिलाता है। तो जिस पॉइंट पर मिलाता है उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द प्रिंसिपल, फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, फोकस हो जाता है, ठीक। ये मेरा हो जाएगा एफ,
और जितना डिस्टेंस इसका होता है उसके उतना ही डिस्टेंस इधर भी क्या हो जाएगा, दूसरा फोकल लेंस जिसको हम एफ डैश से कहते हैं। ओके, बात समझ में आया। तो इस तरह आपने देखा कि कन्वेक्स लेंस में जो है दो फोकस आपको देखने को मिला, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ओ हो गया, ये एफ, ये आपका एफ डैश हो जाता है, और इतना ही डिस्टेंस जितना डिस्टेंस से होता है उतना ही डिस्टेंस इधर इधर हम बढ़ते हैं तो इसको 2f डैश कहते हैं, और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में लेंस के, ठीक। अगर मुझे लेंस का फोकस फाइंड करना हो अप्रॉक्सीमेटली, तो हम क्या करते हैं कि सन के सामने लेंस को ऐसे रखेंगे, सन के सामने, और सन से आने वाली जो इसमें पड़ेगा पीछे में लगा देंगे कागज़ या कोई पेपर ले लेंगे, और उसको आगे पीछे से घुमाएंगे, और जहाँ पर शार्प इमेज बनेगा वहीं पर उसको रोकेंगे, और वहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम, जहाँ पर शार्प इमेज बनता है वहाँ से लेंस का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, उससे हम जो है अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं लेंस का, ठीक। तो लेंस का इस तरह हम फोकल लेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये कनकेव का केसेस है, कन्वेक्स के केस में भी हम इसी तरह, ये कन्वेक्स था, कनकेव का केसेस भी हम देख सकते हैं। ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक ना। इसका भी बीच वाला पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, लाइन पास करता है तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पहले कोई लाइट आएगा तो इसको ये क्या करता है, दूर दूर भगाता है, दूर दूर भगाता है। अब पीछे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस कराते हैं इसको, पीछे की तरफ अगर प्रोड्यूस करें तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं जाकर सब क्या होगा, मिलेगा, जहाँ पर मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। उतना ही डिस्टेंस इधर क्या हो जाएगा, सेकेंड फोकस एफ डैश, इसके इधर क्या हो जाएगा, 2f, और फिर उतना ही डिस्टेंस आगे क्या हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक ना। जितनी भी लाइन आएगी सबको क्या करेगा, ये दूर भगाकर एक ही पॉइंट पर मिलाता है, सारे लाइन को एक ही पॉइंट पर मिलाता है, इसलिए फोकस इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलता है, याद रखेगा। उस वाले केस में भी रिफ्रैक्टेड रे ही मिल रहा था, यहाँ पर भी दो रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पहले आके रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि रे को क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड रे उसको दूर दूर भगाता है। देखिए इसको उधर एक इधर दूर दूर भगा रहा, फैला रहा है, तो ये जो है रे दूर दूर भगाते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और उस वाले लेंस में देखा कि दो रे को एक जगह प्रिंसिपल एक्सिस पर इकट्ठा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक ना। तो कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये जो आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, कुछ इमेज फाइंड करने के रूल होते हैं, इसे जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इसे जानते हैं तो इमेज हमें बनाने में थोड़ा आसान होता है, ठीक। तो यहाँ पर तीन इमेज, तीन रूल जनरली हम देखेंगे कन्वेक्स के केस में। अगर हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ये हो जाएगा एफ, 2f, ठीक, एफ डैश और 2f डैश। तो इसको अभी रहने दीजिए, नहीं बनाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे, ठीक। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फर्स्ट रूल कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा, ये फर्स्ट रूल आप याद रखिएगा, ठीक। दूसरा इसी कन्वेक्स लेंस का हम ले सकते हैं, जो मैं रूल बता रहा हूँ आपको याद होना चाहिए, एफ एंड 2f। यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो सीधे क्या होता है, आगे निकल जाता है। अगर बहुत पतला लेंस हो तो उसमें बिना डेविएशन मान सकते हैं, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, सीधे आपका ये निकल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मोटा रे रहेगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, पर अगर बहुत पतला रहेगा तो पतला लेंस के लिए क्या होगा, सीधे ये निकल जाता है ना सर। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम कन्वेक्स लेंस ले लें, ये एफ हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, ये आपका एफ डैश है, ये आपका 2f डैश है, ठीक ना। अगर आपका फोकस की तरफ लेंस आ रही है, जहाँ फोकस है उधर का लेंस आएगा, ठीक, जैसे आपका फोकस है तो फोकस की तरफ, फोकस
थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा इसको फोकस की तरफ लेंस आता है। अच्छा, इसको इरेज करके यहाँ बनाते हैं। F, 2F, F डैश और 2F डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो अगर हमारा फोकस से रे पास करेगा, ठीक, तो लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोकस से लेंस पास कराएंगे, और लेंस से जैसे ही पास होगा, पास होने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तीनों जो है रूल है, इसे आप जनरली याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर। हाँ, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ट्रांसपेरेंट है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट होगा, पॉलिश रहेगा तब ना रिफ्लेक्ट होगा। बहुत पतला लेंस होता है ना, तो वो पास करके निकल, जब मोटा रहेगा तो थोड़ा डाइवर्स देखते हैं कि अपने पास से थोड़ा हटेगा, लेकिन बहुत पतला लेंस होता है तो इतना कम होता है कि उसको मान लेते हैं कि नेगलेक्ट है, नहीं के बराबर है, और इसको मान के चलते हैं कि बहुत दम सीधे क्या होता है पास करके, केसेस जो है बहुत पतले लेंस के लिए है, ठीक ना। चलते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस, ठीक ना, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर हम रखेंगे कि यदि इमेज को जो है कन्वेक्स लेंस के, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, जैसे आपको ये कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा एफ, टू एफ, ये क्या है एफ हो जाएगा, और टू एफ इधर होगा, हाँ एफ डैश, तो इसके इसके बीच में ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, एक्चुअली इसको हम एफ कह लेते हैं, इसको एफ डैश, इसको वो कह लेते हैं, ठीक ना, बात समझ में आया। फोकस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, थोड़ा लेंस को बड़ा बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस नहीं है, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये होगा टू एफ, एफ डैश हो जाएगा टू एफ डैश, ठीक ना। आप ये ओ होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो सीधे निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है लगातार बड़ी इंक्रीज करता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं, आगे मतलब वही पीछे की तरफ, पीछे की तरफ अगर इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ाते चले हम, तो कहीं ना कहीं दूसरे को क्या करेगा, ये कट करेगा, जहाँ कट करेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, मेरा इमेज बन जाएगा, तो हाँ वर्चुअली बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक ना, मिरर के पीछे बनेगा, मतलब लेंस के पीछे बनेगा, मतलब लेंस क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है ना, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, इन लार्जर कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा बन रहा है, ठीक, तो इसलिए जो है इसका हम नेचर इस तरह लिख सकते हैं, बात समझ में आया, ठीक। दूसरा